आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं के साथ सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात। कहा, महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ। सपा जिला अध्यक्ष ने राज्य निर्वाचन आयोग से मांगी थी जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन पत्र लेने वालों की सूची। 25 जून तक सूची में नहीं था सपा प्रत्याशी जितेंद्र यादव का नाम, तो किस आधार पर पर्चा दाखिल करने पहुंचे थे जितेंद्र यादव? सपा पर उठा एक सवाल या निशान, क्या जनता को गुमराह कर रही है समाजवादी पार्टी? विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रभारी व पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह ने मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन तक मनाया जाएगा कोरोना मुक्त हमारा बूथ कार्यक्रम। सदर सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा, विधानसभा 2022 के चुनाव में 350 सीटों का आंकड़ा पार करेगी बीजेपी। गोरखपुर में रविवार को मिले 4 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,269। अब तक 842 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 66 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। रचनाकार, शिक्षिका एवं कवित्री नुसरत अती गोरखपुरी की हिंदी और उर्दू में रचित दो गजल संग्रह एहसास की अमरबेल का हुआ लोकार्पण। अतिथियों ने कहा, एहसास की अमरबेल गजल संग्रह मानवीय संवेदनाओं का है काव्यात्मक दस्तावेज। राप्ती नदी के तट पर स्थित प्रभु श्री राम घाट पर उतारी गई मां गंगा राप्ती की भव्य आरती। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। और शनिवार के बाद रविवार को भी महानगर में लागू रहा साप्ताहिक बंदी। बंद रही दुकानें, लेकिन सड़कों पर साप्ताहिक बंदी का नहीं दिखा असर।